हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। सो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे जो 12th का सिलेबस है 30% रिड्यूस हो चुका है। तो इस 30% में क्या क्या रिड्यूस हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक इसके अंदर से गायब है, ठीक है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों, इसमें सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, उसमें से मात्र एक टॉपिक गायब है, स्फेरिकल सेल के अंदर एंड आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। लगभग जो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर है बच्चों, उससे कुछ भी गायब नहीं है, एक ही टॉपिक गायब है। उसके बाद बच्चों क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ और सिर्फ तीन टॉपिक, कार्बन रेसिस्टर, ठीक है, कलर कोड वाला, उसके बाद बच्चों सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में है जो बच्चों, उसमें से जो है क्या नहीं करना है, उसमें से बस एक टॉपिक साइक्लोट्रॉन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला कदम था हमारे पास, अगला है जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, कि इसमें से जो है डायपोल के केस का जो है, ठीक है, डायपोल का पोर्शन गायब है। फिफ्थ नंबर चैप्टर में जो है बच्चों क्या है कि उसमें मैग्नेटिक डाइपोल गायब है, ठीक है, और उसकी वजह से जो एक्जियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके बाद पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, ये सब गायब है। नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद ई एम आई आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ईएमआई के बाद बच्चों एसी में बस दो टॉपिक गायब है, पावर फैक्टर एंड वर्टलेस करंट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें बस एक छोटा सा पार्ट है, कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ क्या डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट के जो आइडिया है उसको आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद बच्चों रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सिंपल सा यहाँ से तीन, मतलब कि जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है ना, रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, उसके बाद जो बच्चों है स्फेरिक मिरर फॉर्मूला, ये आपको नहीं पढ़ना है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में, पोलराइजेशन पूरा पोर्शन हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या था हमारे पास, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसमें से एक टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है हमारे पास एटम, जो कि पूरा पढ़ना है, एटम में से कुछ भी गायब नहीं हुआ है, एटम पूरा पढ़ना है। उसके बाद लगभग न्यूक्लियस पूरा ही गायब है, ठीक है। आप जब उसके पोर्शन देखोगे, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में जो है पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से क्या है सिंपल सा बच्चों, कि न्यूक्लियाई में बहुत ही कम पार्ट जो है बचा हुआ है, ठीक है, लगभग सारा पार्ट हटा दिया है। रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, ये सब की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है। डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, ठीक है, ये सब हटा दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड वेरिएशन विथ मास नंबर, इसके अंदर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्या, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में एक ही टॉपिक है, वो क्या है, वो है जीनर डायोड एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि जीनर डायोड एज रेगुलर, ठीक है, जीनर डायोड एज अ रेगुलेटर, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बच्चों क्या है हमारे पास, प्रैक्टिकल्स, तो इसमें जो भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होगा वो आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ओके। तो ये हमारे पास क्लास 12 का रिड्यूस चैप्टर, रिड्यूस पार्ट, ठीक है, ये आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना इससे, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।